टेंशन टेंशन टेंशन, ये क्या बोलूँ, इतना टेंशन है ना ये केआरके ना, जब से ना आज से नहीं 2020 से जो है ये आदमी टेंशन दे रहा है। राधे मूवी का जब हम लोग रिव्यू दे रहे थे कि ये मूवी जो है राधे मूवी आने वाली है, इसका जो है प्रभु देवा डायरेक्शन करने वाला, तब से ये व्यक्ति जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तक तो है मैंने खबर निकाला है कि ये केआरके जो है मूवी करने के बाद जो है जब देशद्रोही इन्होंने मूवी किया वहाँ पे कामयाब नहीं हुए तो इनको जो है चांस मिला था, बिग बॉस में भी गए थे, वहाँ पे इनका थोड़ा बहुत जो है मजाक किया गया था। देखिए दोस्ती यारी में मजाक होता है, तो ये थोड़ी ना है आप दिल पर ले लो, क्यों भाई दिल पर? मैं यही सोचूंगा कि आपने जो है इतना दिमाग और दिल पर ले लिया कि आज तक जो है सलमान खान का सिर्फ नाम आते ही आप जो है उनको टारगेट करना चालू कर देते हैं। अरे ये क्या बॉडी दिखाता है कपड़ा निकाल करके, ये क्या हाफ पैंट पर पिक भेजता है, ये क्या कौन सा किसान बन रहा है, मतलब अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? स्टार वो हैं, मेगा स्टार वो हैं, पसंद सब उनको कर रहे हैं, तो आपको क्यों टेंशन है? आप नहीं हो पाए मेगा स्टार तो हमारी क्या गलती है? आपको भी होना चाहिए था ना। आप उसके बाद जो है कितने दिनों के बाद जो हमको जो है एक विलन में आप दिखे, वो छोटा मोटा एक रोल था उसमें दिखे तो हमको थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद फिर आप गायब हो गए, जाके दुबई में बैठ गए। तो क्यों भाई आप भी करो ना, कोई अच्छा रोल करो, कोई और अच्छा करो, हम भी आपको देखना चाहते क्योंकि हम भी आपके जो है फैन है। लेकिन जो है जब देखे कि आप ही गायब हो गए हो, आप भी जो हमारे जैसा यूट्यूबर बन गए हो, तो हम भी बोले अब जो है इनका फैन रहना ठीक नहीं, सिर्फ दोस्ती यारी रहेगी। दोस्ती आज भी है, जब भी आप यहाँ पे आएंगे इंडिया में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे दोनों साथ में मिलकर के बैठ के चाय पी, मेरी ये ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो है इतना जो है सलमान खान के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो यही जो है आप कितना भी पड़े रहे, आपने कहाँ तक कितना नहीं किया कि ये जो मूवी जो है वो थिएटर में आने वाली थी तो आपने इतना बुराई किया, बाद में इनको जो है जब OTT पे आने वाली तो आप क्या सोचे कि एकदम कचरे जैसा, एकदम बकवास, एकदम फालतू फ्लॉप हो जाएगी। आपने मूवी देख के इंटरवल में आपने अच्छा खासा उसका ये दिया कि मैं ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, हाफ में मैं बेहोश होने वाला था ये सब, फिर उसके बाद जो है मूवी देखने के बाद जो है बोले ऐसा जो है नया है ये सब वो सब, आपने थोड़ा बहुत स्टोरी बताया। पहले तो आप बोले थे स्टोरी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, रणवीर हुड्डा ऐसा वैसा है, फिर मुंबई सांगा का उसके अंदर जो है डबिंग किया गया, उसमें फाइट, अरे हम कहीं भी दिखाए फाइट, हम कहीं भी गए, हर एक मूवी में नहीं, बहुत से मूवी में ऐसे सीन रहते, बहुत से ऐसे ये रहते हैं, समझे ना। जो भी हो ये जो है ना, आप जो भी कुछ भी रहे, सीन दिखाया गया आपको अच्छा लगा क्या वो देखना है, इसमें मायने ये है कि मूवी चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि आपकी मूवी तो पूरा वर्ल्ड जो है पूरा यहाँ, तो आप देखो कि बॉम्बे में आपके मूवी को कितना टारगेट किया गया, आपको भी मालूम है। हम लोग भी बहुत जो चलना चाहिए था वो मूवी उतनी नहीं चली। अब रह गया दूसरी बात, अब ये जो है राधे मूवी जो है भले नहीं भी हो, सिर्फ एक ब्रांड और एक नाम काफ़ी है, और नाम के ऊपर सब लोग जो है उसको ये कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपने भी देख रहे हैं, अपने फैमिली को भी दिखा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और आज भी जो है आपके घर के बाजू में थिएटर में जो है वो मूवी हाउसफुल जा रही है दुबई में, आपको मालूम ही नहीं, तभी भी आप बुराई पर बुराई बुराई पर बुराई करते रह रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, मूवी चल रही है, 1600-1650 करोड़ तक स्क्रीन पर कलेक्शन हो चुका है, और 2300 से लेकर 2400 करोड़ रुपया ऑफिशियल कलेक्शन भी आ चुका है, सबको मालूम है, और ये कलेक्शन करते रहेगी, और ये नहीं कुछ हो तो इसका प्रमोशन जो है 10 दिनों तक चालू रहेगा। ये 10 दिन के बीच में कोई भी मूवी या कोई भी चीज़ है अगर आएगा भी तो जो है सलमान खान इतना नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनका ही खुमार जो है कम से कम 1 महीने तक सबके या 1 महीने तक अंदर भरा हुआ रहता है, सब इनको ही देखेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है टारगेट करना बंद करें, कोई और भी अच्छा कुछ बातें बताएं बहुत अच्छा लगता है। बस दोस्तों मैं यही चाहूँगा, ऑटो वाले अंकल चैनल साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और बंद करने के पहले वो ब्लैकन जरूर दबाएं, आपको जब भी वीडियो डालूँगा आप तक पहुँचेगा। नमस्कार।